हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राहुल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सलमान खान की मोस्ट वॉटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान के शुरुआती 27 दिनों के, अदा शर्मा की फिल्म द केला स्टोरी के शुरुआती 13 दिनों के, विद्युत जामवाल की फिल्म IB71 और श्रीनिवास की फिल्म छत्रपति के शुरुआती 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही जानेंगे आज कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार रही है, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। मैं आपका दोस्त सुमित केरावल, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे बात करें फरहाद सामजी के डायरेक्शन बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की, तो यह एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिले सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 21 अप्रैल को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 27 दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 27वें दिन यानी आज लगभग 20 लाख रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 27 दिनों का इंडिया डेट कलेक्शन हो रहा है 110.58 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 132.95 करोड़ रुपए का, तो वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 184.70 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों, अब बात करें सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी की, तो यह एक ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिल रहे आधा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदानी। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 5 मई को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 13वें दिन यानी आज लगभग 9.70 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत 13 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 166.54 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 192.40 करोड़ रुपए का, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 197.90 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों, बात करें संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म IB71 की, तो यह एक मिस्टीरियल थ्रिलर फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिल रहा है विद्युत जामवाल, अनुपम खेर, विशाल जेठवा और फैजल खान। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 12 मई को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पे 6 दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 6ठे दिन यानी आज लगभग 1 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 6 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 10.53 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 12.30 करोड़ रुपए का, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 13.90 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों, लास्ट में बात करें वी विनायक डायरेक्शन में बड़ी फिल्म छत्रपति की, तो यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं श्रीनिवास, नुसरत फरूचा, भाग्यश्री, शरद केलकर। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 12 मई को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पे 6 दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 6ठे दिन यानी आज लगभग 25 लाख रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 6 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 2.43 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 3.20 करोड़ रुपए का, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 3.70 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, ये थे इन चारों ही फिल्मों के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आज भी द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने इन चारों ही फिल्मों को देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स के जो बताए कि आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप भी ऐसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट लेना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।